दे फ्रेंड्स सारेज कुकिंग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं साग। साग बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, ये मैंने 1 किलो सरसों का साग लिया जिसको मैंने काट लिया और मैंने वॉश कर लिया है। और साथ में हमने लिया पालक। पालक हमने लिया हाफ़ के जी। हम हाफ के जी इसलिए पालक डाल रहे हैं, ज़्यादा डालने से वो साग का टेस्ट अच्छा नहीं होता। हरी मिर्ची हमने ली है आधा पाव, जिनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। लाल कुटी मिर्च हमें चाहिए 3 टेबल स्पून। हल्दी चाहिए हमें 1/2 टेबल स्पून। आटा हमने लिया 2 टेबल स्पून। नमक हम अपना लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। लाल मिर्च मैंने लिया है, पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून। और धनिया मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। और अदरक का मैंने पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून। और हमें चाहिए मक्खन गार्निश के। पानी को मैंने पहले से ही बॉयल करने के लिए रख दिया था। यहाँ पे हमने पानी खुला लिया है, पानी अच्छी तरह बॉयल हो गया है। अब डाल देते हैं साग। सारा साग हम डाल देंगे इसमें पानी में। साग को हमने डाल दिया, अब डाल देते हैं पालक। फ्लेम को हम हाई रखेंगे। साग को हमने तब तक बॉयल करना है जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। हमने इसको कवर नहीं करना क्योंकि जब पानी बॉयल होता है तो बाहर आ जाता है, इसलिए हमने साथ साथ इसको नीचे करते रहना है चम्मच के साथ। साग को बॉयल होते हुए यहाँ पे 20 मिनट हो गए हैं। मैंने इनको साग को हाई फ्लेम पे बॉयल किया है। ये देखें इसका पानी भी चेंज हो गया, ग्रीन हो गया, और ये साग का कलर भी चेंज हो गया। और इसका पानी अब निकाल देते हैं क्योंकि ये इसका पानी हम इसलिए निकाल रहे हैं, ये पानी कड़वा होता है। साग का एक्स्ट्रा पानी मैंने निकाल दिया, बस मैंने थोड़ा सा पानी रखा है। अब इसको मिट्टी की हांडी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सारे साग को मिट्टी की हांडी में डाल लेते हैं। यहाँ पे हम सारे मसाले ऐड कर देते हैं। हरी मिर्चें डाल देते हैं और ये लाल कुटी मिर्च भी डाल देते हैं। ये पाउडर भी डाल देते हैं, हल्दी और नमक। और ये धनिया भी डाल देते हैं। हर इलाके में साग बनाया जाता है अपने अपने तरीके से। हम अपने तरीके से साग बनाएंगे जिस तरह हमारे घर में साग बनाया जाता है। अब कवर करके इसको रख देते हैं। करके मैंने रख दिया 10 मिनट तक। इसको लो फ्लेम पे कुक करते हैं। जब थोड़ा सा पानी रह जाएगा तो इसको फिर वुड मेशर से पीस। 10 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। पानी हमारा खुश्क हो गया। अब साग को मैश कर लेते हैं इस तरह। इससे साग को अच्छी तरह मैश करेंगे, बिल्कुल पीस लेंगे। यहाँ पे मैंने 5 मिनट लगाए हैं साग को पीसते हुए। अब इसमें आटा डाल लेते हैं। थोड़ा थोड़ा आटा डालते जाएंगे और इसको पीसते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा आटा डालते जाएंगे और पीसते जाएंगे इस तरह। मैशर को जल्दी जल्दी लाना है ताकि आटे की गुठलियाँ ना बने। थोड़ा और डाल लेते हैं। इसी तरह मैं थोड़ा थोड़ा आटा डालती जाऊंगी और इसको पीसती जाऊंगी। सारा मैंने आटा डाल दिया और अच्छी तरह मैंने आटे को साग में मिक्स कर लिया है। ये देखिए इसमें कोई आटे की गुठली नज़र नहीं आ रही। और ये थोड़ा सा पानी जो रह गया, ये पीसने से थोड़ा सा पानी निकल आता है, इसको भी खुश्क कर लेते हैं। हमने आटा इसलिए डाला है कि ये साग अच्छी तरह आपस में जुड़ जाए। ये आटा डालने वाली स्पेशल टिप उन लोगों के लिए जो साग बिल्कुल बनाना नहीं जानते। यहाँ पे साग में से सारा पानी खुश्क हो गया है। साग की एक बात ये है, ये देखें प्लेट में डालते हैं थोड़ा सा इस तरह। प्लेट को टेढ़ा करना है। ये देखिए इसमें से बिल्कुल कोई पानी अलग नहीं हो रहा। साग की ये ख़ास बात होती है पकने की। अब इसको तड़का लगा लेते हैं। यहाँ पे मैंने फ्राई पैन में 1 कप ऑयल का डाल के रख दिया है। इसको गर्म कर लेते हैं। जैसे ही गर्म होता है तो हम अदरक वाला पेस्ट इसमें डाल लेते हैं। हमारा गर्म हो गया है, अदरक डाल देते हैं, हिला लेते हैं। अदरक मैंने डाल दिया है और अदरक को ब्राउन कर लेते हैं। जैसे ही ब्राउन होता है तो हम इसको तड़का लगा लेंगे। ब्राउन हो गया, अब तड़का लगा लेते हैं। यहाँ पे मैंने तड़का लगा दिया है। साग हमारा रेडी है, अब डिश आउट कर लेते हैं। हमने साग थोड़ा स्पाइसी बनाया क्योंकि हमारे घर में स्पाइसी साग पसंद किया जाता है। तो आप अपनी मर्ज़ी से स्पाइसी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साग को मैंने डिश आउट कर लिया है। अब मक्खन डाल लेते हैं ऊपर। सारा मक्खन डाल लेते हैं।
मज़ेदार सा साग हमारा रेडी है। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।